लखनऊ के खिलाफ बेंगलोर की हार से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी, तो मुंबई, बेंगलोर अब बड़ी मुश्किल में। प्लेऑफ की रेस में ये तीन टीमें हैं सबसे आगे, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस में बड़ी उठापटक हो रही है। दिन ब दिन कुछ ऐसे मुकाबले खेले जा रहे हैं जो दूसरी टीमों को पछाड़ रहे हैं और खुद प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे जा रहे हैं। इसी बीच जो मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, कहने को ये राइवलरी बड़ी थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने घरेलू सरजमी पर खेल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिलता है। 181 रन लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाती है, जिसका पीछा नहीं कर पाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्योंकि KGF तो पावर प्ले में ही वापस चला गया था। लखनऊ की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली थी, लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस हार से उनको बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। प्लेऑफ की रेस में अब मानो वो बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ समीकरण हैं जो कि हम आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन बताएंगे कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से उनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। बाकी टीमों के हालात इस मुकाबले के बाद क्या है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे, कितने अब हार के वो बाहर हो जाएंगे, कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे हैं तो कौन सी सबसे पिछड़ चुकी है, चलिए आइए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिन्हें आप प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, और हाँ, उसके लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। जी हाँ, एकमात्र ऐसी टीम जिसका इस पॉइंट्स टेबल में कोई खाता ही नहीं खुला है। तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों के तीनों मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब वो चाहे गुजरात के खिलाफ हो, हैदराबाद के खिलाफ हो, या फिर राजस्थान रॉयल के खिलाफ अपने घरेलू सरजमी पर ही क्यों ना हो, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस अभी तक कुछ खास नहीं दिखी है, जिसका खामियाजा ये है कि ये टीम शुरुआत में ही प्लेऑफ की रेस में रेड जोन में आ गई है, यानी बाहर होने के कगार पर। ऐसे समीकरण बन रहे हैं जब मुंबई इंडियंस के लिए क्वालिफाई करना अब बेहद कठिन हो गया है। हालांकि अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही जब आप तीन बड़ी हार का सामना करते हैं तो फिर प्लेऑफ में आपके लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो जाता है। दरअसल अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई इंडियंस को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं, लेकिन सवाल है कि 11 में से कितने जीतेंगे तब जाकर वो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो 11 में से 8 मुकाबले जीतेंगे तो ही प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अब 11 में से 8 जीतना किसी भी टीम के लिए, चाहे कोई बड़ी टीम ही क्यों ना हो, रास्ता बड़ा कठिन होता है। यहाँ से मुंबई बहुत बहुत कठिन रास्ते के तौर पर जा रही है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेल लिए हैं, और इस पॉइंट्स टेबल में एकमात्र टीम अभी तक जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं। लेकिन बेंगलुरु के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि 4 में से जीत केवल एक ही पाए हैं, और वो केवल मिली थी पंजाब किंग्स के खिलाफ। बाकी चेन्नई हो, कोलकाता हो, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हार का ही सामना करना पड़ा है। एक ऐसी हार जो लखनऊ के खिलाफ मिली, उसके बाद मानो इनके लिए रास्ता दुर्लभ हो चुका है। बेंगलोर के लिए भी समीकरण बहुत बदल चुके हैं। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अब केवल 10 मुकाबले खेलने हैं इस पॉइंट्स टेबल में, और 10 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। यानी अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी रास्ता मुंबई की तरह हो गया है, लेकिन बड़ा दुर्लभ है। ये भी टीम उस रेड जोन में है जहां से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कुछ अनबिलीवेबल खेल दिखाना होगा। आने वाले 10 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। वैसे ही इस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर है। पंजाब किंग्स शिखर धवन की कप्तानी में जरूर अच्छा खेल दिखा रहा था, लेकिन दो हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं, और 11 में से 7 मुकाबले पंजाब किंग्स को हर हालात में जीतने हैं। 11 में से 7 जीते तो प्लेऑफ में ये जगह बनाएंगे।
जी हां, दिल्ली कैपिटल इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर बना हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स को भी तीन में से केवल एक मुकाबले में जीत मिली है। जो पिछला मुकाबला था जिनमें इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम को हराया था, ऋषभ पंत शानदार फॉर्म में दिखे थे और दो पॉइंट के साथ में खाता खोला था। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर है और जी हां, इन्हें अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो फिर वो जीत मिली है उसके बाद थोड़ा रास्ता खुलता हुआ नजर आया है। अब इन्हें 11 मुकाबले खेलने और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 11 में से 7 जीते तो बड़ी राइवलरी होगी, लेकिन दिक्कत है आने वाले दोनों मुकाबले बड़ी टीमों से है। पहला कोलकाता से है और दूसरा मुंबई से है, तो ये दो मुकाबले बड़े ही इनके लिए क्रिटिकल सिचुएशन में आ रहे हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। तीन में से एक ही मुकाबला जीता है, दो मुकाबले हारे हैं और दो पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल सिक्स्थ पोजीशन पर है। भले ही इस साल का सबसे बड़ा स्कोर इनके नाम है और आईपीएल इतिहास का स्कोर इनके नाम है, लेकिन ये टीम केवल एक ही मुकाबला अब तक जीत पाई है। प्लेऑफ में इनके लिए भी रास्ता थोड़ा दुर्लभ हो चुका है। दरअसल 11 में से इस टीम को भी अभी भी 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। सनराइजर हैदराबाद की ये टीम, पैट कमिंस की ये टीम 11 में से 7, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि यहां से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जरूर थोड़ा दुर्लभ में है। दो हार इन्हें बड़ी मुश्किल में फंसा चुकी है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है और यहां से वो टीमें आएंगी जिनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया है और प्लेऑफ की रेस में ये सबसे आगे भी है। पांचवें पायदान पर गुजरात है, तीन में से दो जीते हैं, एक ही हारा है। गुजरात टाइटंस के पास 4 पॉइंट नजर आते हैं। इनके लिए भी समीकरण यही है कि 11 मुकाबले इन्हें अब भी खेलने हैं और 11 में से जीतने केवल और केवल 6 मुकाबले हैं गुजरात टाइटंस को। थोड़ा आसान नजर आता है, थोड़ा इजी नजर आता है, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज यहां गुजरात टाइटंस के लिए प्लेऑफ की रेस में फिलहाल तो है नहीं। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने अभी तक केवल 3 ही मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले खेलने के साथ ही पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में आ गए हैं। पहला मुकाबला जरूर इन्हें राजस्थान रॉयल के खिलाफ हार मिली, लेकिन पंजाब के खिलाफ जीत और अब तो बेंगलोर के खिलाफ जीत ने इन्हें पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है, टॉप 4 में लाकर खड़ा कर दिया है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी इस टीम को 11 मुकाबले खेलने हैं, लेकिन 11 में से 6 मुकाबले इस टीम को हर हालात में जीतने हैं। अगर ऐसा ये टीम कर पाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अब लखनऊ जैसी टीम के लिए आप कहेंगे अच्छा, बल्लेबाजी आक्रमण है, गेंदबाजी काफी शानदार है, तो प्लेऑफ की रेस में ये टीम भी अब काफी आगे आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स, ताला की ये टीम, ऋतुराज गायकवाड़ की ये टीम, तीन में से दो मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं। पहले लगातार दो मुकाबले जीते, लेकिन पिछले मुकाबले में इन्हें दिल्ली कैपिटल से हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए समीकरण क्या कहते हैं? दरअसल चेन्नई को भी अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 में से इन्हें 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 11 में 6 जीतना नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्टीज होगी। दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, दो ही मुकाबले खेले हैं और दोनों के दोनों जीते हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 12 मुकाबले खेलने हैं और केवल 6 मुकाबले जीतने हैं। 12 में से 6 जीतना और आज दिल्ली कैपिटल वाला बहुत कुछ डिसाइड कर जाएगा। लेकिन हाँ, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर जो नाम आता है वो राजस्थान रॉयल का आता है और इन्हें देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि प्लेऑफ में एक कदम रख चुके हैं ये टीमें। दरअसल राजस्थान 3 में से 3 जीत चुकी है और 6 पॉइंट के साथ में एकमात्र टीम वो है जो जिसके पास 6 पॉइंट है, तो ये पहले पायदान पर है। राजस्थान रॉयल के लिए समीकरण क्या बनते हैं? दरअसल राजस्थान रॉयल को भी अभी भी 11 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 में से केवल 5 मुकाबले जीतने हैं। जी हाँ, 11 में से 5 अगर ये जीत गए तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। अब आप कहेंगे 11 में 5 राजस्थान के लिए कोई डिफिकल्टीज होगी नहीं, तो फिर ये भी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में सबसे आगे हैं। तो राजस्थान हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, गुजरात हो गई, इनके लिए लखनऊ हो गई, रास्ते आसान हैं, लेकिन मुंबई है, पंजाब है, दिल्ली है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, इनके लिए रास्ता थोड़ा दुर्लभ हो गया है शुरुआत में ही। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं।